हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल राइस पुडिंग रेसिपी। हम सभी को पता है कि नवरात्रि के लास्ट दिन कुछ लोग अष्टमी में खिलाते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन खिलाते हैं, तो उसमें स्वीट डिश भी हम कुछ बनाते हैं। सो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी राइस पुडिंग बताने वाली। सो चलिए चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया था, उसे मैंने गरम कर लिया। एंड गरम करने के बाद मैंने 1/2 लीटर मिल्क जो है वो सेपरेट कर लिया है। मैंने उस 1/2 लीटर को सेपरेट करके क्या किया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल ये 1/2 लीटर मिल्क है और जब तक ये गरम हो जाता है दोबारा से, तब तक मैंने ये राइस जो है इसको 2 आवर्स के लिए भिगो कर रखा था। एंड इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश करके इसका वाटर ड्रेन कर लिया है। अब इसे मिक्सर में डालकर मैं इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी कुछ सेकंड के लिए। हमने कंटिन्यू नहीं चलाना है, आपने 1 सेकंड घुमाना है, बंद करना है, 1 सेकंड घुमाना है, इस तरीके से करना है। तो ये जो राइस के दाने हैं ये एक्चुअली बासमती राइस है, तो डायरेक्टली जब हम इस राइस से खीर बनाते हैं तो वो थोड़ी सी क्या होती है, राइस ऐसा लगने लगता है कि हम मीठा राइस खा रहे हैं। सो व्हाट आई लाइक टू डू, मैं इसे थोड़ा सा मिक्सचर जार में कुछ सेकंड ग्राइंड करती हूँ। तो ये देखिए, ये इसके दाने होने चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, पेस्ट नहीं बनाना है। हमने सेकंड ऐसे चला के 4-5 से 6 बार इस तरीके से करके बंद कर देना है मिक्सचर जार को। और ये देखिए, इस तरीके से हमने राइस के दाने रखने हैं। सो यहाँ पर मेरा जो मिल्क है वो भी गर्म हो गया है और जो ये राइस मैंने मिक्सर में डालकर थोड़ा सा बारीक कर लिया था राइस को, उसे मैं इस दूध में डाल लूँगी। सो यहाँ पर देखिए मैंने सारा ऐड कर लिया है और इससे जो खीर है वो बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट में जो खीर मिलती है वो बनेगी आपकी खीर। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको घुमा लिया है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, सो हमें काफ़ी कम मीठा पसंद है और बाद में मैं इसमें कुछ और डालने वाली हूँ जिससे और ये मीठा होगा। सो बैटर मैं यहाँ पे बहुत ही कम रख रही हूँ, अराउंड मेरा ये बिल्कुल छोटा सा जो मसाले का स्पून होता है वो है, तो यहाँ पर मैं अराउंड 1.5 स्पून इससे लिया है। तो बड़े स्पून से 1 स्पून मान के चलिए मैंने इसमें शुगर ऐड कर लिया है। और हम इसे इस तरीके से चला लेंगे खीर को। और ये देखिए, एक बार पूरा अच्छे से मैंने इसे हिला लिया है और अब इसे थोड़े देर कुक होने देंगे। अब यहाँ पे देखिए अराउंड 8 to 10 मिनट्स मेरे हो गए हैं और ये अच्छा बॉईल भी आया है, तो एक बार हम हिला लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 1/2 लीटर मिल्क आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने सेपरेट रख लिया है, तो उसको मैंने बॉईल करते करते उसका कंडेंस्ड मिल्क बना लिया। सो यहाँ पर आप देखिए, ये नेचुरल होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, क्योंकि मार्केट का जो कंडेंस्ड मिल्क होता है हमें सभी को पता है वो कितना ज़्यादा स्वीट होता है, राइट। सो ये जो है इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है, ये मैंने कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल जो घर का फ्रेश जो मैंने मिल्क लेकर आई थी उससे मैंने बनाया है। और इसमें अपनी नेचुरल स्वीटनेस है, जब हम मिल्क को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं वो जिस तरीके से ठीक होते जाता है तो उसमें स्वीटनेस बढ़ती जाती है, तो इसमें नेचुरल स्वीटनेस है। तो आप भी इस तरीके का कंडेंस्ड मिल्क बना के घर पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखिए, मैंने इसे इसमें ऐड कर लिया है और अब मैं इस जो घर के बने हुए दूध की कंडेंस्ड मिल्क है उसको इस खीर के साथ मिक्स कर दूंगी। इससे होगा क्या, एक तो मेरे खीर में स्वीटनेस और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में शुगर जो है वो बिल्कुल ही कम रखा था। सेकंड, ये जो मेरी खीर है जो सिर्फ दूध से इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, वो थिकनेस भी इस खीर में आ जाएगी, तो गाढ़ी खीर मेरी बनने लगेगी बिल्कुल ही मार्केट की तरह। यहाँ पर मैं और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए इसे सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ऐड कर रही हूँ, वो है कोकोनट पाउडर, जो मुझे बहुत ही पसंद है पुडिंग में डालना, कोई भी पुडिंग हो। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं, कस्टर्ड पुडिंग मैंने ऐड करी थी, तो
तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डालना। ये एक्चुअली जो खीर होती है वो पतली होती है दूध से, तो ये जो है थिक करने का काम करता है और जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा डेवलप करता है। सो यहाँ पर देखिए मेरा कंडेंस्ड मिल्क और जो कोकोनट पाउडर वो अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें बहुत अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है मेरे खीर में। स्लोली स्लोली लो फ्लेम पे ही बन रही है और ये ऑलमोस्ट कुक है। तो यहाँ पर इस स्टेज में मैं अराउंड 1 स्पून, अगेन माय सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मैं बारीक कटे हुए डालने से बैटर प्रिफर करती हूँ पाउडर फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स डालना। सो इसमें काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, इलायची पाउडर है, सभी कुछ इसमें मिक्स है। एंड लुक एट द कलर ऑफ माई राइस पुडिंग, माई राइस खीर, चावल की खीर का जो कलर है बहुत ही क्रीम क्रीम कलर का, बिल्कुल वाइट नहीं है। आप देख सकते हैं जो मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला था प्लस जो मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर डाला उससे बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है। सो यहाँ पर मेरी खीर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए मैंने इसे डाल भी लिया है अपनी हांडी में और अब मैं इसे गार्निश करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स से ऊपर से। सो यहाँ पर मैंने पहले जो ड्राई फ्रूट पाउडर उसमें किशमिश नहीं था, तो किशमिश को मैं पूरे खीर में मिक्स कर लूँगी क्योंकि खीर बहुत गर्म है अभी। इस स्टेज में मैंने सारे मिक्स कर लिए और ऊपर से नाव अब मैं बिल्कुल बारीक जो मैंने करके रखे हैं काजू बादाम वो मैं इसमें ऊपर से गार्निश कर लूँगी। सो लुक एट दिस हांडी गाइस, प्लीज़ ट्राई दिस। एंड इस तरीके से आप राइस पुडिंग बनाएंगे, बिल्कुल ही जो मार्केट की राइस पुडिंग होती है उसका टेस्ट आपका आएगा, आप मार्केट वाली भी भूल जाएंगे। एंड मैंने भी ये सीखा है फर्स्ट टाइम जब मैंने मार्केट की पुडिंग खाई थी देन। सो ट्राई दिस एट होम एंड नवरात्रि में ये स्पेशल खीर बनाकर बच्चों को खिलाइए एंड बहुत ही यमी बनने वाली है, बहुत ही डेलिशियस एंड माउथ वाटरिंग आपकी खीर बनेगी। एंड अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।